राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संस्कृति के विभिन्न आयामों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इससे एक मजबूत कल्चरल इकोनॉमिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा है कि G20 समूह की बैठक की अध्यक्षता का नेतृत्व भारत को दिया गया है। इस दायित्व का निर्वहन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के आधार पर किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हमारी संस्कृति के विभिन्न आयाम में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। परसों यानी 5 अगस्त को दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एक और उत्सव फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज के उद्घाटन में भी मुझे जाने का मौका मिलेगा। इन सभी आयामों पर निरंतर ध्यान बनाए रखने में से एक मजबूत कल्चरल इकोसिस्टम का निर्माण संभव हो रहा है। इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता का दायित्व भारत को दिया गया है। इस दायित्व का भारत द्वारा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के आदर्श के अनुरूप निर्वहन किया जा रहा है। हमारी परंपरा में यत्र विश्वम भवति एक नीडम की भावना प्राचीन काल से आधुनिक युग तक निरंतर व्यक्त होती जा रही है। हिंदी के वरेण्य कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा था, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान खिचित को मिलता एक सहारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। राष्ट्रप्रेम और विश्व बंधुत्व यानी पेट्रियटिज्म और यूनिवर्सल व ब्रदरहुड, इन दोनों आदर्शों का संगम हमारे देश की चिंतन धाराओं में सदैव दिखाई देता रहता है। देवियों और सज्जनों, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनके नाम से आज जो ये ऑडिटोरियम बनाया गया है, हम सब इकट्ठे हुए हैं ये सुशोभित इन भवन में, उनके द्वारा लिखित एक कविता का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। इस कविता में निबंध एक आख्यान के माध्यम से गुरुदेव ने ये प्रतिपादित किया है कि साहित्य ही सत्य का संभावक होता है। आदिकवि वाल्मीकि ने, नारद मुनि ने हंसते हुए कहा था, नारद कहिला हासी से सोतो जा रोचिबे तुमि, अर्थात तुम जो अपने काव्यों में कहेंगे वही सत्य है। साहित्यकार का सत्य इतिहासकार के साथ तथ्य से अधिक प्रामाणिक होता है। मानवता का वास्तविक इतिहास विश्व के महान साहित्य में ही मिलता है। साहित्य ने मानवता को आईना भी दिखाता है और बचाया भी है और आगे भी बढ़ाया है।